नमस्कार, मैं असगर अली। अभी हम हैं नापा सिर के हरी भवन में और हमारे साथ है रेणुका पवार। नापा सिर में लगातार दलित समाज की लगातार ये दूसरी बेटी की शादी है, वो बिना दहेज के हो रही है। ये एक समाज में नवाचार कह सकते हैं। नापा सिर एक शिक्षित विकसित कस्बा है, काफ़ी बड़ा कस्बा है और यहाँ पे इस तरह का अगर नवाचार हो रहा है तो निश्चित तौर से दलित समाज के अलावा अन्य समाजों में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा और निश्चित तौर से समाज की जो ये सामाजिक बुराई है दहेज प्रथा, निश्चित तौर से एक नवाचार का संदेश मिलेगा। रेणुका शिक्षित है के परिवार में सभी लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम समाज में नवाचार करेंगे। मैं रेणुका पवार से जानना चाहूँगा कि आपकी शादी वो बिना दहेज के हो रही है, कैसा लग रहा है और क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने समाज को? दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से निर्णय लिया था कि हम शादी है वो बिना दहेज के करेंगे। समाज की अन्य जो लड़कियां हैं आपकी उम्र की, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि बिना दहेज के वो समाज में अच्छा संदेश है? मैं यही कहना चाहूंगी कि हर घर में ऐसी है ना शादी हो कि ना बेटी को बहू नहीं है, बेटी को बहू बना के ना ले जाए, बेटी बना के रखे और है ना अपना ना बेट सब कुछ है ना, बेटी और बेटे में कभी फर्क नहीं करना चाहिए। शिक्षित बनो, सब कुछ रहोगे। एमए कर रही हो और बीएड कर रही हो, बच्चों को पढ़ाए और लड़की को खास तौर पर वो एक घर को शिक्षित नहीं करती है, दोनों घर को शिक्षित करती है। हमारे साथ है डॉक्टर कानू राम जी। हम हर सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, समाज में इस तरह के नवाचार होते हैं तो निश्चित तौर से ये अग्रणी रहते हैं। अपने समाज में लगभग हर समाज के तबकों को ये इस तरह की सामाजिक बुराई है उनसे दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं और निश्चित तौर से आज जो ये शादी बिना दहेज की हो रही है ये भी इनके समझाई से ही या कह सकते हैं कि इनके अच्छे विचारों के कारण इस तरह का निर्णय लिया। तो क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी माँ बाप हैं वो अपनी बेटी के लिए जो दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं वो पैसा दहेज के लिए इकट्ठा ना करके अपनी बेटी की पढ़ाई में लगाए, उसको शिक्षित बनाए। अगर बेटी शिक्षित होएगी तो एक पीढ़ी पुलिस बनती है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाए बिना दहेज, दहेज मुक्त समाज के लिए हमारी एक पहल है। आने वाले समाज टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कोशिश करेंगे कि माँ बाप को दहेज का जो भार पड़ता है वो ना पड़ के बिना दहेज के शादी कराएं और बच्चों को पढ़ाएं। जब शिक्षित होंगे तब हम दहेज खुद हम हमारे कमा के इकट्ठा कर सकते हैं। बेटी पढ़ी लिखी होगी तो वो खुद नौकरी लगेगी या गवर्नमेंट जॉब करेगी या अपने पैरों पे खड़ी होगी तो वो अपने घर में जो अपनी पसंद की चीज़ है, आज जो माँ बाप उनको कन्यादान के रूप में जो भी दहेज देते हैं वो ना दे के आप पढ़ाई के लिए दहेज दान दें, कन्याओं को खुद दान दें और ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षा की तरफ ले जाए। मेरा यही कहना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बेटी एक अनमोल धन है जिसको आप जैसा आप अपने घर पे रखते हैं वैसा ही अपने ससुराल में रखिए। बेटी और बेटा एक समान है और बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं है। अभी नापा सिर में कुछ दिन पहले एक शादी हुई थी बिना दहेज की और ये लगातार दूसरी शादी बिना दहेज की हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर से समाज में बदलाव आ रहा है? हाँ, बदलाव आ रहा है, टाइम लगेगा। धीरे धीरे जो दहेज रूपी एक कलंक है उसको हम मिटाने में लगे हुए हैं। इसमें पूरा समाज, पूरा नापा सिर और सभी शिक्षित और समझदार आदमी इस पहल में अग्रणी है। हम सब भी हैं, हमारे साथ रेणुका जिसके आज शादी है, इनके होने वाले दामाद जो SBI बैंक क्लियर कर रखे हैं, ग्राम सेवक भी क्लियर कर रखे हैं, RS मैन भी क्लियर कर चुके हैं और अभी वो वर्तमान में कोऑपरेटिव बैंक में पोस्टेड है। हमारे साथ हैं माल जी जो लड़की के पिता हैं। अच्छा लग रहा है, लड़की ने मुझे पहले ये बात की थी कि मैं बिना देर की शादी करना था, तो मैंने मान किया, मैंने कहा ठीक है आपकी मर्जी है तो मुझे भी मंजूर, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो तीन बच्चे हैं, तीनों को एक समान एक नज़र से देखता हूँ और तीनों में कभी भेदभाव नहीं किया। मैं तो हर माँ बाप को यही कहना चाहता हूँ कि हर बेटी को पढ़ाएं। बेटी को बोझ नहीं समझना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की शादी ये बिना दहेज से हो रही है और समाज में ये इस चीज़ से अच्छी पहल बढ़ेगी। अभी हाल फिलहाल में ये दूसरी शादी है, हम चाहते हैं कि आगे बहुत सी ऐसी शादियाँ हों जिसमें बेटी बाप के लिए बोझ ना बने, ठीक है, और जितना हो सके उससे ज़्यादा बेटी को पढ़ाना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए।